जब भी हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हमारे मन में सबसे पहला ख्याल लड़कियों का आता है। पर क्या कभी किसी ने लड़कों के बारे में सोचा है, या कभी ये जानने की कोशिश की है कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स या स्ट्रेस है? आइए हम आपको इसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। मीत कब तक फोन पे लगा रहेगा? अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छी कॉलेज और अच्छी जॉब कैसे मिलेगी? तो रहेगा यही का यही और दूसरे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। हेलो, कैसे हो आप? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी थी इसलिए कॉल किया। मेरे बेटे की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छा होता अगर आपके बेटे को भी जॉब मिल जाती। वो तो मेरे बेटे से एक दो साल बड़ा भी है। हर चीज़ टाइम पे हो तो ही अच्छा होता है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा आगे। बहुत कोशिशों के बाद उसे जॉब मिल ही जाती है। अरे निकाल गए ऐसा ना इंटरव्यू। अच्छा था, सिलेक्ट हो गया मैं। क्या हुआ बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी तो जॉब लग गई है। हाँ ना, मैं खुश हूँ। फिर किस बात का टेंशन है, मेरे को बोलो। दिन रात बस यही ताने सुनो कि जॉब कब लगेगी, जॉब लगने के बाद शादी करो, फिर उन जरूरतों के बारे में सोचो और उनकी खुशियों के बारे में सोचो। एक आदमी होना भी कोई आसान काम नहीं है। बचपन से ही उन्हें स्टीरियोटाइप्स में बांध देते हैं। जब तक फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, शादी तक नहीं कर सकते। वो अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए हर एक चीज़ करते हैं, छोटी हो या बड़ी। फैमिली के लिए दिन रात एक कर देते हैं। कितना भी स्ट्रेस हो, वो घर पे किसी से कुछ शेयर नहीं करते। उन्हें अपने इमोशंस छुपाने पड़ते हैं, वरना सोसाइटी उन्हें कमज़ोर बोलेगी। लड़के अपने टेंशन और प्रॉब्लम किसी को खुल के बता नहीं सकते, क्योंकि वो लड़के हैं और लड़के स्ट्रांग होते हैं ना।